हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासी वाला। तो हम आज डीपम फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि यूनिट ऑपरेशन है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं इसमें क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एज पर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 हिसाब से आज हम पढ़ाई करेंगे, जो भी चीज पढ़ाई करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं यूनिट ऑपरेशन क्या है। यूनिट ऑपरेशन का मतलब है कि जो बेसिक स्टेप होते हैं एक प्रोसेस को करने के लिए। यूनिट ऑपरेशन इसमें हम क्या पढ़ाई करेंगे, उसका कंटेंट क्या है। इसमें पढ़ाई करेंगे प्रोसेस लाइक साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो हम पहले जानते हैं साइज रिडक्शन के बारे में। साइज रिडक्शन क्या है, चलो उसका डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस द ड्रग्स पार्टिकल्स रिड्यूसिंग इनटू सोलर पीसेस और फाइन पाउडर। मतलब साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ड्रग्स पार्टिकल्स को छोटे छोटे साइज या फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। चलो हम अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव्स मतलब साइज रिडक्शन करने से क्या क्या फायदे होंगे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज रिडक्शन क्यों किया जाता है। चलो पहले पॉइंट देखते हैं। टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बिकॉज रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इंक्रीज द एक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पार्टिकल से रिड्यूस होने से रेट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है इन केस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है टू अलाउ रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ फूड ड्रग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स। मतलब एक्सट्रैक्शन के केसेस में जितना छोटे छोटे पार्टिकल साइज होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रैपिड पेनिट्रेशन होगा सॉल्वेंट का, तो इजीली एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। कार्बन टू गेट ए यूनिफॉर्म पाउडर बिकॉज पार्टिकल साइज रिडक्शन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स। फोर्थ पॉइंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन रेट। तो पार्टिकल साइज रिड्यूस होने से सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। तो इसमें मेंशन किया है पार्टिकल साइज ग्रेटर इज एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म एग्जाम्पल सस्पेंशन या द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिक्रीज। मतलब पार्टिकल से रिड्यूस होने से फार्मास्यूटिकल जूसेस फॉर्म लाइक सस्पेंशन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, सस्पेंशन इमल्शन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट टू गेट ए यूनिफॉर्म पाउडर, एक यूनिफॉर्म पाउडर मिलेगा। चलो अभी देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। मतलब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन के प्रोसेस में। तो पहले देखते हैं हार्डनेस। चलो देखो द हार्डनेस ऑफ मटेरियल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, सब मटेरियल इज ईजी टू ब्रेक इन टू स्मॉलर पीसेस एज कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल। मतलब सब मटेरियल इजीली ब्रेक होगा एज कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल। ठीक है, चलो देखें टफनेस। तो क्रूड रॉक ऑफ फाइब्रस नेचर और दोज हैविंग हायर मॉइस्चर आर जनरली टफ इन नेचर। जिस क्रूड रॉक्स ने ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कर रखा है तो उसने टफ इन नेचर हो जाएगा, टफ इन नेचर डिफिकल्ट होगा साइज रिडक्शन प्रोसेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टिकनेस। स्टिकनेस कॉज ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन ड्यू टू फैट दैट द मटेरियल एडहियर टू द ग्राइंडिंग सरफेस और शिफ्ट सरफेस ऑफ द मिल। मतलब
मटेरियल स्टिक कर जाएगा, मतलब एडियर हो जाएगा, तो साइड रिडक्शन प्रोसेस में डिफिकल्टी आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल व्हिच शो सम स्टेलर स्ट्रक्चर में कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग साइड रिडक्शन, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ड्रग्स व्हिच हैव सेलुलर स्ट्रक्चर जनरली प्रोड्यूस लॉन्ग फाइबर, सो प्रॉब्लम अकर्स ड्यूरिंग साइड रिडक्शन। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल इन्फ्लुएंसेस ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस, थिकनेस, व्हिच अफेक्ट द साइड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। वैक्सी सॉफ्टनेस सच एज स्टेरिक एसिड और ड्रग कंटेनिंग ऑयल और फैट बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग साइड रिडक्शन प्रोसेस, इफ हीट इज जनरेटेड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय कूलिंग मील। अगर साइड रिडक्शन प्रोसेस में हीट जनरेट हो रहा है तो ऑक्सी सॉफ्टनेस क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने से साइड रिडक्शन प्रोसेस में डिफिकल्टी आएगा, तो इन दिस केस कूलिंग इफेक्ट इज नीड फॉर द मील। देन प्यूरिटी रिक्वायर्ड, वेरियस मील यूज फॉर साइड रिडक्शन ऑफ्टन कॉज ए ग्राइंडिंग सरफेस टू द वेयर ऑफ द इम्प्यूरिटीज कम इन पाउडर, इफ हाई डिग्री ऑफ प्यूरिटी इज रिक्वायर्ड देन द सच मील आर अवॉइडेड एंड न्यू मील्स आर मस्ट बी एडेड। क्या होता है, एक मील यूज हो के वेयर ऑफ हो जाता है, एक ऐसा टाइम आता है वेयर ऑफ हो जाता है, तो इफ हाई प्यूरिटी इज रिक्वायर्ड, अगर हमको ज़्यादा प्यूरिटी रिक्वायर्ड है तो हम न्यू मील ले सकते हैं, क्योंकि अगर पुराना मील लिया तो मील लेके साइड रिडक्शन कर रहा है तो वेयर ऑफ के कारण इम्यूनिटीज फाइनल प्रोडक्ट में आ सकते हैं। देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सम ड्रग्स आर वेरी पोटेंट और इफेक्टिव ड्यूरिंग देयर पार्टिकल साइज रिडक्शन इन मील, डस्ट इज प्रोड्यूस व्हिच मे इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर, सो इन दिस केसेस एनक्लोज मील मे बी यूज टू अवॉइड डस्ट। मतलब सम ड्रग्स आर वेरी पोटेंट, वेरी पोटेंट मीन्स वेरी इफेक्टिव, एंड दिस ड्रग ड्यूरिंग साइज रिडक्शन हमें एनक्लोज मील लेना चाहिए, क्योंकि डस्ट अगर इनक्लोज मील नहीं लिया तो डस्ट प्रोड्यूस होगा, और डस्ट प्रोड्यूस होगा तो मे बी चांसेस ऑफ इफेक्ट ऑन ऑपरेटर हेल्थ। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, टू गेट ए फाइन पाउडर इन द मील इट इज रिक्वायर्ड दैट ए फेयरली स्मॉल फीड शुड बी यूज, अगर हमको फाइन पाउडर चाहिए तो स्मॉल साइज का फीड लेना होगा। नेक्स्ट, बल्क डेंसिटी, द आउटपुट ऑफ द साइज रिडक्शन ऑफ द मटेरियल ऑन ए मशीन डिपेंड्स अपॉन द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉफ्टनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस लेक्चर में इतना ही था, अगले लेक्चर में और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म और दो इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना।